हेलो फ्रेंड्स, इन्फो लैब में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो सेफ्टी को लेके है, सेफ्टी इन रिलेशन टू ऐप लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और इसी तरीके की सिमिलर एप्स। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में अपना एक इंसिडेंस एंड बताऊंगा कैसे लोगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, आई वॉज रिटर्निंग बैक फ्रॉम समवेयर एंड आई वॉज ड्राइविंग। तभी मेरी एक कॉल आई और मैंने गाड़ी को साइड पार्क करा कॉल अटेंड करने के लिए। लोकेशन थी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, ये नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन है। तभी किसी यंगस्टर ने मेरी विंडो पे नॉक करा। मैंने विंडो को रोल डाउन करा। उसने बोला, सर प्लीज़ आप मेरी एक हेल्प कर दो, मेरी कार पंचर है और मुझे 200 रुपीज़ कैश चाहिए। आप मुझे 200 रुपीज़ कैश दो, मैं आपको पेटीएम कर देता हूँ। मैंने सोचा कि चलो हेल्प कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैंने 200 रुपीज़ उसको कैश दिए और उसने मेरा नंबर मांगा कि आपका नंबर क्या है। मैंने उसको अपना मोबाइल नंबर दिया, अपना नाम मैंने नहीं बताया उसको। तो जैसे ही मैंने उसको नंबर दिया, उसने मेरे से बोला, आपका नाम गौरव चौहान है? मैंने बोला हाँ। वो कह रहे, सर मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसे। उसने मेरे को पेटीएम करे 200 रुपीज़ और अपनी स्क्रीन पे मेरे को पेमेंट प्रूफ दिखाया कि ये ग्रीन टिक जैसे लिखा हुआ आता है, ग्रीन टिक आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस तरीके का ग्रीन टिक उसने अपनी स्क्रीन पे मेरे को दिखाया। मेरा नाम वहाँ पर था गौरव चौहान, पेमेंट की रिसिप्ट नंबर था, ट्रांजेक्शन आईडी था, सब कुछ था और 200 रुपीज़ का उसने मेरे को प्रूफ दिखा दिया। मैंने बोला उसको, लेट मी चेक माय बैलेंस। मैंने अपना बैलेंस चेक करा तो देखा मेरे पास में कोई पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी। मैंने वेट करा 25-30 सेकेंड। उसने मेरे से बोला, सर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, और वो ये कह के भी चले गया। मैंने 1 मिनट तक वेट करा, फिर देखा तब भी मेरे पास में बैलेंस नहीं आया था। तो मेरे को कुछ डाउट हुआ कि इतनी ओपन एरिया है रोड के पास में, नेटवर्क फुल आ रहा है बट मेरे को रिसीव नहीं हुआ पेमेंट का मैसेज। तो मैंने क्या करा, अपनी जो कार है उसको लॉक करा, बाहर उतर के देखा, सोचा कि उससे पूछता हूँ कि पेमेंट नहीं आई। तो मैंने राइट लेफ्ट देखा उतर के, तो मुझे कोई कार पंचर नहीं दिखी, ना वो पर्सन दिखा जिसने मेरे से 200 रुपीज़ कैश लिए थे। उसके बाद में मैं घर पे आ गया। देन व्हाट आई डिड वाज दैट आई डिड माय रिसर्च वर्क। मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करी, सर्च करा, कई जगह से पता करा, तो आई केम टू नो दैट देर इज़ अ फ्रॉड गोइंग ऑन मैनी प्लेसेस। कई जगहों पे ऐसा फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ में और लोगों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ऐसे फेक पेमेंट प्रूफ लोगों को दिखाए जा रहे हैं। ये जो फेक पेमेंट प्रूफ होते हैं, ये कई सॉफ्टवेयर्स और कई चीज़ों की मदद से बना लिए जाते हैं। मेरे को जिस पर्सन ने फेक पेमेंट प्रूफ दिखाया, जब मेरे को उससे पेमेंट नहीं रिसीव हुई तो ना मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर आया, ना मेरे पास में कोई नाम था जिससे मैं उसकी कोई कंप्लेन कर सकूँ। दोस्तों, ऐसे फ्रॉड की आप कंप्लेन पेटीएम के सेल बना हुआ है डील करने के लिए उसमें दे सकते हैं, या फिर आप पुलिस में अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। पुलिस में स्पेशल साइबर सेल है इस टाइप की कंप्लेंट्स को डील करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी से पेटीएम से पेमेंट लेते हैं और वहाँ पर ग्रीन टिक शो होता है पेमेंट का, रिसीव का, उस टाइम पे आप जिस बंदे से पेमेंट ले रहे हैं उसके पेटीएम में पासबुक में एंट्री ज़रूर चेक करो। वो एंट्री हैंड टू हैंड तभी अपडेट हो जाती है, और जब तक आप इंश्योर नहीं कर लेते कि आपको पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, तब तक नेवर लीव द काउंटर, यदि कहीं आप शॉप पे हैं या फिर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बी केयरफुल, बी अलर्ट वेन एवर यू आर आउट एंड नेवर गेट इन टू सच डील विद एनी स्ट्रेंजर। मैं एक गलती करके सीख चुका हूँ और आप मेरे इस इंसिडेंट से सीख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल। और आज वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि आप लोगों को ऐसे फ्रॉड्स के बारे में अवेयर करा जा सके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सो दैट दे कैन बी सेफ फ्रॉम सच टाइप ऑफ फ्रॉड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फो लैब।